मुझे जिला अधिकारी का फोन आया था। You mean district magistrate? Yes, क्योंकि मैंने जिस एनजीओ के लिए अप्लाई किया था उसका अप्रूवल मुझे मिल गया है। That's a great news. किसके लिए काम करोगी? Well, मैं समाज के उस वर्ग के लिए काम करना चाहती हूँ जो आज भी आजादी पाने के बावजूद भी गुलाम है। You're right. एक तबका है जो नौकरशाही की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। Yep. अंग्रेज चले गए लेकिन वो अभी तक गुलाम के गुलाम ही है। Yes. और बेबी मैं उनकी आवाज बनना चाहती हूँ। That's awesome. लेकिन बेबी ये जो गुलाम की जो मेंटेलिटी है ना, ये इनकी एक परंपरा है, एक रिवाज है। तुम कुछ कर नहीं पाओगे लोगों के लिए। आई एम टेलिंग यू बिकॉज ये लोग गुलाम हैं, गुलाम रहेंगे। बेबी क्या है ये, मतलब काम शुरू करने से पहले तुमने नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर दिया। नेगेटिविटी नहीं है बेबी, सब नेगेटिविटी। मैं तुम्हें सिर्फ मशवरा दे रहा हूँ। मुझे मशवरा नहीं चाहिए तुम्हारा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इन गरीब मजलूम लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए आई नीड योर हेल्प, आई नीड अ लॉयर। स्वीटी मैं वकील नहीं रहा। एक वक्त था कि मैं वकील था और मैंने बड़े बड़े केसेस लड़े, क्रिमिनल केसेस लड़े, मेरा नाम हुआ करता था। बट लेकिन आई डोंट नो, मम्मी ने मेरी डिग्री कहीं फेंक दी यार। ये देख मिल गई। क्या है ये? इसकी वकालत की डिग्री और क्या। वो जो पुराने पीतल के बर्तन थे ना, उनके संदूक में पड़ी थी। अरे मैंने ही छुपा कर रख दी थी। ये उन दिनों ना बड़े उठाई गिरों के केस लड़ता था। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। अंगूरे, अरे तनी कछु खाने को लाओ भाई, बहुत जोर के भूख लगी है। अरे आवाज कैसी आई पगली? अंगूरे हाय दिया, पका हुआ लड्डू के भैया। आवाज कैसी आ रही थी? कहा बताएं आपको, हुका हुआ ना कि हम कुकर चढ़ाए थे, उसके बाद कछु और काम में लग गए। हमको पता ही नहीं चला कि कुकर में कब कछु फंस गया। वो तो तब पता चला जब वो सीटी है ना ऐसा फंस फंस के आ रहा था, तो हम सीटी निकाल दिए, नहीं तो वो कुकर हमरे मुंह पे ही फट जाता। क्या बात कर रही हो? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। कहा बताए आपको, पता नहीं सुबह से कहा चल रहा है, हम ना बाल बाल बच रहे हैं। बाल बाल बच रहे हैं? वो कैसे पगली? का हुआ ना अकि सुबह जब हम कपड़े उतारने गए रस्सी से, हाँ। तो हमरा पैर फिसल गया। हम ना सुबह बालकनी से नीचे गिर जाते, फिर बच गए। उसके बाद ना गुसल खाने में हमरा पैर फिसल गया, वहाँ गिर गए, पता नहीं। ठीक है, मतलब है कि तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता होगा। नहीं लड़के भैया, आप तो हमको जानते हैं, हम जब भी कोनो काम करते हैं ना हमारा ध्यान उमें ही रहता है। क्या कह रही है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में तो हमरे भी ना ही आ रहा है कि का चल रहा है। हाँ मां प्रणाम कर रहे हैं। हाँ खुश रहो बैल, तुमसे एक जरूरी बात करना है। पहले ये बताओ कि बहुरिया तुम्हारे आसपास तो नहीं है? हाँ है। तो एक कोनो बहाने से उसको दूर भेज दो। अंगूरी तनिक अंदर जाके हमारे नाश्ता लेके आओ, पगली हमें बहुत जोर के भूख लगी है। अम्मा जी का काल है ना, हमरे बात कराइए ना। अभी हमारी बात हो रही है ना, उसके बाद तुमसे बात करेंगी, ठीक बा? ये कुछ बात है का? अरे हमने कहा ना मैं नाश्ता लेकर आओ, इतनी जोर से भूख लगी है। चिल्लाते का है, लाते हैं। अम्मा जी हम आपको कॉल करते हैं। हाँ मां बोलो क्या बात है। वो कहा है ना पंडित रामफल का फोन आया रहा। किस लिए? अरे बहुरिया का कुंडली देखे रहे ना। अंगूरी की दूसरी शादी करने का विचार बना रहे का? पूरा बात सुनता नहीं, बीच में बकर बकर करने लग जाता है। हाँ बोलो अम्मा बोलो। अरे वो बोले हैं कि बहुरिया के जो हैं योग ठीक नहीं चल रहे हैं, उनकी जान का खतरा भी है। क्या बात कर रही हो, जान को खतरा? हाँ वो बोल रहे थे कि कोनो दुर्घटना हो सकता है। अरे हाँ अभी अभी अंगूरी ने बताया कि कोनो कुकर फटने वाला था और वो बाथरूम में फिसल गई थी वगैरह वगैरह। हाय राम, जल्दी से कोनो उपाय करना पड़ेगा इससे पहले कि हमारी बहुरिया कोनो मुसीबत में फंस जाए। बताओ अम्मा, हम कुछ भी करने को तैयार है, बताओ क्या उपाय है। पंडित रामफल बोले हैं कि अपने नौकर पे अत्याचार करने से संकट टल जाएगा। हाँ ठीक है, रखते हैं। अगर नौकर पे जुल्म करने से अंगूरी की जान बच सकती है तो हम ही उपाय जरूर करेंगे। छला बाबू तू कैसा दिलदार निकला, चोर समझी थी मैं थानेदार निकला। भाभी जी No. थानेदार नहीं, चोर समझी थी मैं, छल्ला बाबू
वकील निकला। आ क्या बोले? अरे भाभी जी और कैसी हैं आप? हाउ आर यू डूइंग? हम तो ठीक बा, एकदम तंदुरुस्त बा। आप कछु वकील के बारे में बोले रहे। अभी एक्चुअली क्या है कि अनु ने एक एनजीओ खोली है। क्या बात कर रहे हैं जी? हाय दिया, इका मतलब अब वो गरीब लोगों का मदद करेंगी। वो गरीब लोगों की मदद करेगी, गरीबों को इंसाफ दिलाएगी, और गरीबों को इंसाफ दिलाने में मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, बिकॉज आई विल बी देयर नेक्स्ट टू हर। आओ कैसे? भाभी जी वकील हूँ ना, मुझे आज डिग्री मिली वकालत की, खो गई थी। ये कैसा रिएक्शन था भाभी जी? नहीं कछु नहीं। बड़ा अजीब सा रिएक्शन दिया आपने, आप तो चीख पड़ी एकदम से। नहीं हमको बहुत अच्छा फूल हो रहा है ना इसके लिए। भाभी जी फूल तो आप मुझे बना रही हैं, आप फील कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। भाभी जी अचानक आप कुछ मुझसे रुकी रुकी सी हैं, क्या बात है भाभी जी? क्या मैंने वकील बन के गुनाह कर दिया? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ओ कहना हमरे डैडू हमको बताए रहे कि हमरे दादाजी को ना वकीलों ने एकदम बर्बाद कर दिया था, उनका जमीन जायदाद सब ऊना हड़प लिए। हमरे दादाजी हमरे डैडू को मरते टेम बोल कर गए थे कि तुम्हारे सामने अगर एक ठो सांप और एक ठो वकील आ जाए ना तो वकील को पहले मारना, उन पर कभी विश्वास नहीं करना। इसके लिए बचपन से ही हमको कछु अजीब लगता है ये सुनकर। भाभी जी ये तो आपका अपना वकील है। अब वकील किसी के ना ही होते हैं और एक नंबर के खवैये होते हैं, लेकिन आप ऐसा ना ही कीजिएगा। हाँ आप अच्छे वकील बनिएगा। चलिए बाय बाय। यार वकील बने दो दिन हुए नहीं, भाभी ने जलील कर दिया। पर अच्छा लगता है जब भाभी जलील करती हैं, इसमें एक मजा है। मतलब हम आए ऐसा है, तुम चली जाना अपनी जट्टारी वाली मौसी के लौंडे की शादी में, हम नहीं आएंगे। काहे नहीं आएंगे आप? ये तुम्हारी वही मौसी है ना जिसने हमारे तुम्हारी शादी में सबसे कड़ा विरोध किया था। भैया कहा पुरानी बातों को याद करके बैठे हैं, मिट्टी डालिए ना। अब ऐसे भी उठे में आपका हालत कितना खराब था, याद है आपको? आपके जूते कपड़े सब फटे हुए थे। हाँ तो ठीक है, हमारी हालत भी उस समय कुछ ऐसी सी ही थी, क्या करे। टीम कौन आया? देखो तो नहीं कौन आया। हाय दिया, अचली भैया अंदर आइए ना। सब ठीक बा? बजे घंटे ठीक करवा लो भाभी जी, फिर हम आने जाने वालों की बहुत सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते, कैसा बीती? बस ठीक ही हूँ सेठ जी, लाव दे दो। का दे दो? सेठ जी नेकी और पूछ लाव दे ही दो अब। जे का बदतमीजी सेठ जी? तनख्वाह चाहिए थी ना तुझे? हाँ तनख्वाह चाहिए थी, तुमने तो गाल पे थप्पड़ रसीद कर दिया। अरे अरे, अरे मेरे बेटे माफ करना यार, मैं तो भूल ही गया, मैं क्या था किसी और ही ख्याल में खोया हुआ था, अचानक तू सामने आ गया। क्या 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 मांग रहा था, क्या चाहिए तुझे? सेठ जी भूलने की बीमारी हो गई क्या? तनख्वाह? अरे हाँ यार, तुझे तो तेरी तनख्वाह देनी थी, लेकिन एक काम कर बेटे, सबसे पहले मेरे और अंगूरी के लिए दुई ठो कप गर्मा गर्म चाय लेके आ। उनको काहे बोल रहे, हम बना कर ला। अरे एक मिनट, लाने दो ना पगली, जा मेरे बेटे लेके आज। मैं क्या? हाँ बेटे जा। आज इनको हो गया क्या, बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं, जा रही है। भैया ये सब कहा है? कुछ नहीं, सब ठीक है। लेकिन आप ऐसे काहे करें, और आप बेचारे टिल्लू भैया को थप्पड़ काहे मारे? हमने कहा ना, हम कुछ अलग मूड में चल रहे हैं, कहा ना। हाँ तो आप लाख अलग मूड बा में हो, लेकिन फिर भी किसी के साथ और वो भी टिल्लू भैया के साथ ऐसा बर्ताव ना ही करना चाहिए। तुमने तो ऐसे कह रही हो जैसे हमारे ऊपर तुमने को डॉक्टरी कर रखी है। हाँ इतने सालों से रह रहे हैं आपके साथ, आपकी नस नस से वाकिफ हैं, किए हैं हम आप पर HD। HD नहीं PhD होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं, दे दीजिए ना उनको उनका तनखा। दिया आज जो लड्डू के भैया हरकत किए हैं ना, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो इतने पत्थर दल निकलेंगे, इतने निर्दयी निकलेंगे, ये तो कभी हम सपने में भी नहीं सोचे थे। वो बेचारे टिल्लू भैया
अम्मा जी को कॉल करके बताते हम ही सब। हेलो हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ जुग जुग जियो मोर बच्ची, कैसन बा? का बताए, हम बहुत हॉट है। तुम का हट कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। कौन हट कर दिया हमारी बहुरिया को? हमको बताओ क्या, गुर्दे छील देंगे हम? लड्डू की भैया हाँ? का किया उबैल? आपको पता है उना टिल्लू भैया को बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, बहुत वाउचर किए उनको। अच्छा तुम टार्चर कहना चाह रही हो? सही पकड़े हैं अम्मा जी। आपको पता है उलाद भी मारे, वो चुटी भी काटे और उनका हाथ ना वो गरम चाय में डाल दिए। अब आप बताइए हमको, अपने नौकरों के साथ कौन ऐसा बर्ताव करता है का? अरे बहुरिया, अब का बताएं तुमको, ये सब बोलने के लिए तो हम ही बोले रहे। का हुआ पगली, किससे बतिया रही थी तुम? आप तो हमसे बात ही ना ही कीजिए, आप बहुत ही संगमरमर दिल के हैं। संगमरमर दिल नहीं पगली, संग दिल होता है। ऐसे ही पकड़े हैं, आप जो किए हैं ना टिल्लू भैया के साथ, हम आपको कभी माफ ना ही करेंगे। अरे ऐसा क्या कर दिया हमने? हाय दिया, हाँ आप उनको इतना मारे, उनको इतना प्रताड़ित किए और आपको कछु असर भी ना ही है, ऊका कोनो कीड़े मकोड़े हैं का? अरे काम बके चली जा रही हो तुम। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, आप उनको बहुत परेशान किए, मारे उनको। अरे यार क्या कहें अब तुमसे, सच्चाई बताने के लिए पंडित रामफल मना किए हैं। कछु पूछ रहे हैं हमको, जवाब दीजिए। वो सब छोड़िए, आओ तनिक वहाँ पास आओ पगली, देखो ना कितना सुहावना मौसम रखा है। आओ, खबरदार हमारे पास भी आए ना तो जब तक आप टिल्लू भैया से माफी ना मांगते ना, हम आपसे बात ही ना ही करेंगे। बाय बाय। सुनो पगली, अंगूरी। अरे यार अब करें तो क्या करें। ओके आओ यहाँ पर आओ, बैठ जाओ। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। अरे रिलैक्स रिलैक्स टिल्लू, मैं हूँ अनीता भाभी, घबराने की जरूरत नहीं, इट्स मी। ठीक है शांत हो जाओ। देखो रोना मत, ये वक्त रोने का नहीं है, ये वक्त लड़ने का है उन दरिंदों के खिलाफ जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसे किया है। भाभी जी वो बहुत बड़े लोग हैं, इस गरीब की आवाज दबा देंगे भाभी जी। नहीं, तुम्हारी आवाज अकेली आवाज नहीं है, अब संसद से लेके सड़क तक एक ही आवाज गूंजेगी, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन भाभी जी कानूनी लड़ाई के लिए वकीलों की जरूरत पड़े, अब मेरे पास तो कोई वकील भी ना है। बेबी लुक एट मी, कैसा लग रहा हूँ इस सूट में? बहुत सालों बाद पहना, लेकिन देखो मैं इस लॉयर के सूट में फिट बैठ रहा हूँ ना एकदम। यस यस एब्सोल्युटली, लेकिन ये समय फिट दिखने का नहीं है बल्कि फाइट करने का है। मैं कुछ समझा नहीं। आई विल एक्सप्लेन। इसकी तरफ देखिए, तिवारी जी ने इस बेचारे के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। तिवारी जी ने ऐसे शौक कब से पाल लिए? हाँ? कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैं लड़ूंगा इसका केस। वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट। ऐसे लड़ लूं? तो और कैसे लड़ोगे, तलवार चाहिए? नहीं नहीं तुम समझी नहीं। समझाओ यार। हाँ? फीस कौन देगा यार? फीस? हाँ? तुम मुझसे फीस मांगोगे? तुमसे नहीं मांग रहा हूँ यार, जिसके लिए केस लड़ रहा हूँ उससे मांग रहा हूँ। सेठ जी गरीबों के पास फीस ना होवे, सिर्फ एक आबरू होवे और उसे भी तिवारी जैसे भेड़िए नोच खावे। एक मिनट, तू तो बहुत बुरा लगता है, प्लीज। विभू प्लीज डोंट बी सो इनसेंसिटिव, देखो इसकी तरफ, बेचारे के साथ क्या जुल्म ढाए इन लोगों ने। जस्ट फॉर वंस अपने आप को इसके पोजीशन में डालो और फील करो कि अगर इसके साथ जो हुआ है वो तुम्हारे साथ हुआ होता तो बहुत बुरा होता सेठ जी। यार कम ऑन, नो, यू नो व्हाट, जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि दर्द क्या है। पराई पीठ कौन जाने। अब डायलॉग मत मारो यार, मैं लड़ूंगा केस इसके लिए। ऑलराइट, लेकिन इसका केस स्टडी करना पड़ेगा। एक बात बताओ, तुम्हें चोटें कहाँ कहाँ आई हैं? अंदर आइए।
हेलो नो बेब्स, गुड नाइट। विभु गेट अप। आए गेट अप। Look at me, Vibhu. I'm upset, Vibhu. यार तुम ना छोटी छोटी बात में मुंह फुला लेती हो यार। एक मासूम बच्चे का यहाँ शोषण हो रहा है और तुम्हें ये बात छोटी सी लगती है? वाओ। यार वो टिल्लू अधेड़ उम्र का आदमी, अगर वक्त पे शादी हो गई होती उसकी तो चार चार बड़े बड़े बच्चे होते हैं उसके। किस एंगल से तुम्हें मासूम लगता है वो? तुम्हारे एंगल का तो मुझे पता नहीं विभू, क्योंकि तुम्हारे एंगल के सामने किसी दौलतमंद ने दौलत की दीवार खड़ी कर दी है, इसीलिए टिल्लू की मासूमियत तुम्हें नजर ही नहीं आ रही है। लेकिन अगर तुम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, तो एक गरीब बच्चे का यहाँ शोषण हुआ है, प्लीज हैव अ लुक एट इट। यार लेकिन तुम मुझ पे गलत इल्जाम लगा रही हो। कौन इल्जाम नहीं लगा रही हूँ मैं, ये तो सिस्टम है। किसी भी गरीब इंसान की आवाज को हर डिपार्टमेंट मिलकर दबा देती है, फिर चाहे वो पुलिस हो या कानून। तुम ना इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हो। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं मैं तुम्हारे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना इसको, बिकॉज़ क्या है कि कॉइन की दो साइड्स होती हैं, एक हेड्स होती है। ओके, एनफ। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देख लिया है और एक बात साफ है, एक तरफ एक गरीब मजलूम है और दूसरी तरफ एक क्रूर मालिक है जिसने अपने ही नौकर का शोषण किया है। यार तुम ना खाम खाई बात को बढ़ा रही हो। खाम ठीक है, मुझे नहीं बढ़ाना इस बात को। तुम तिवारी जी को कन्विंस कर लो कि वो 3 करोड़ रुपए दे दे, मैं मामला यही रफा दफा कर देती हूँ। गुड, मैं बोल दूंगा। अल्टर विभू, आई एम नॉट डन, गेट अप। ओके, लुक एट मी। या थैंक यू वेरी मच फॉर कंसिडरिंग दिस ऑफर। मैं नोबेल प्राइज के लिए तुम्हारा नाम नॉमिनेट करूंगी। मुझे नोबेल प्राइज नहीं चाहिए, मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे रिवॉर्ड चाहिए, समझे ना? मुझे मुझे मेरी फीस चाहिए। टिल्लू को मिलेंगे 3 करोड़, मुझे क्या मिलेगा? What will I get? Zero, zilch. तुम्हें आज रात अच्छी नींद मिलेगी, जाओ सो जाओ। जय महाप्रभु। अब तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे मधु भैया। अरे क्या हुआ, ऐसे कब तक मुंह फुलाए बैठी रहोगी पगली? आज जब तक आप टिल्लू भैया से माफी ना ही मांग लेते हैं। माफी मांगेगा हमारा सिंगठा? वो कहीं का गवर्नर नहीं है, हमारा नौकर है, और नौकर से माफी काहे मांगे हम? इतना घमंड अच्छा ना ही होता है लड्डू के भैया, इतना घमंड तो रावण का भी ना ही रहा था। अच्छा, मतलब तुम हमारी तुलना रावण के साथ कर रही हो? आपकी इतनी औकात नहीं कि आपकी तुलना रावण से की जाए। रावण तो बहुत महान था, विद्वान आदमी था, चारो वेदों का ज्ञाता था, और आपको तो काखागा भी नहीं आता। माफ कीजिएगा, आप किस खेत के बैंगन हैं? आपने गलत मिसाल दी। नहीं, हम आपको बैंगन ही कहेंगे क्योंकि आप थाली के बैंगन हैं। आप एक एडवोकेट से बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। एडवोकेट जी? भाई दिया, आप सच में वकील बन गए? दैट्स राइट भाभी जी। और बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पहला केस तिवारी जी के खिलाफ एक एनजीओ का नोटिस लेके आया। एनजीओ का नोटिस? क्या ये क्या ड्रामा है भाई? ड्रामा आप कर रहे हैं, यू आर डूइंग इट। हमने क्या ड्रामा कर दिया? आप अपने नौकर के ऊपर अत्याचार करते हैं, उस पर जुल्म करते हैं, यू टॉर्चर है। हाँ, हम नहीं करते हैं, हम किसी पे को भी टॉर्टोइज नहीं किए। अब जो टॉर्चर होता सही पकड़े हैं, हम नहीं किए। आप क्या कहना क्या चाहते हैं? हिंदी समझ नहीं आती है क्या? हमें दरअसल तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलिए ना। देखो पगली, तुमने कुछ नहीं देखा है। का कछुनाई देखे? अरे हम टिल्लू की बात कर रहे हैं यार। हमने टिल्लू के साथ जो भी ज्यादती की है ना, वो तुमने नहीं देखा। हाय दिया, लेकिन हम तो देखे रहे कि आप टिल्लू भैया को बहुत परेशान करते हैं। अरे हमारा कहने का मतलब है कि अगर कोई पूछेगा कि हमने टिल्लू के साथ हमने कोई ज्यादती की है, तो तुम्हें ये बोलना है कि कोई ज्यादती नहीं की है, टिल्लू झूठ बोल रहा है। का है? नहीं,
हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम देखे हैं कि आप टिल्लू भैया को बहुत टॉर्च किए थे। टॉर्च नहीं, टॉर्चर होता है पगली। सही पकड़े हाँ। हम अपनी आंखों से देखे कि आप उनको कितना पीटे थे और वो भी देखे कि आप उनको चूटी काटे रहे। अरे यार, अगर ये बात इस पगली ने पुलिस में या कोर्ट में कह दी तो हम तो बेमौत मारे जाएंगे। लगता है हमें अब ब्रह्मास्त्र चलाना ही पड़ेगा। सुनो पगली, का है? तुम्हें हमारी कसम है। हदिया कसम का है? यही कि तुमने कुछ नहीं देखा और अगर ये तुमने किसी को बताया तो तुम्हारा मरा हुआ मुंह देखोगी। हदिया नहीं, ऐसा ऐसे नहीं बोले, ठीक बन नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे बस। तीन करोड़, तीन यार, तीन करोड़ आ जाएंगे यार, अपने तो वारे नहरे है जाएंगे। टिलुआ मेरी जान, लाइफ सेट हो जाएगी, सेट तीनों की। टिल्लू तुमको क्या लगता है यार, तिवारी भैया ये हरजाने की जो मोटी रकम है तो को आसानी से दे देंगे? वो क्या, उसके तो फरिश्ते भी देंगे बावले। क्या बात कर रहे हो? हिंदी। अबे बावले, अनीता भाभी ने उस तिवारी के खिलाफ जो जाल बुना है ना, उस जाल में वो कच्चा बनियान ऐसा फंसेगा, ऐसा फंसेगा कि जब तक 3 करोड़ की कैंची से उस मकड़ जाल को काटेगा नहीं तब तक मेरी जान वो उलझता रहेगा, उलझता रहेगा। तो सारे 4-5 करोड़ क्यों ना दबा ठोक दो यार, हैं? 3-4 ठंटरों खा ले तो तू बात कर रहे हो। तुम गरीबों की यही प्रॉब्लम होवे। अबे बावले, ज्यादा लालच बुरी बला होवे। तूने सुना ना है कि भागते भूत की लंगोटी काफी होवे? और अगर वो लंगोटी 3 करोड़ रुपए की हो तो और भी मजे की बात है सारे। टिल्लू जी, भाभी जी, आर यू ऑल राइट? भाभी जी, बहुत दर्द से हो रही है, पूरा बदन पके फोड़े की तरह दुख रहा है। देखो टिल्लू, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें आगे की जंग की तैयारी कर लेनी चाहिए। क्यों भाभी जी, क्या तिवारी भैया सेटलमेंट के लिए तैयार ना भाएगा? कुछ लोग ना, कुछ लोग लातों के भूत होते हैं, मतलब उन्हें प्यार से समझा के कोई चीज समझ में नहीं आती है। इन्हें बस तब चैन मिलेगा जब पूरी अदालत में इनकी कुंडली उछाली जाएगी, और वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन भाभी जी कैसा है ना टिल्लू, कि जब हम अदालत में उन पर इल्जामों का कीचड़ उछालेंगे तब बचोगे तो तुम भी नहीं। क्या मतलब भाभी जी, व्हाट डू यू मीन? आई मीन कोर्ट में वकील जो हैं वो इनसे कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो ओरिजिनल टॉर्चर के बराबर होंगे। हेलो 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 हेलो, हाँ कहिए, क्या प्रॉब्लम है? कमिश्नर सर, इस बेचारे की तरफ देखिए ना। इसकी तरफ सर, इसकी तरफ, ये पता नहीं क्या या बोलूं, बेचारे के साथ बड़ी जातियां हुई है सर। एक दौलतमंद भेड़िए ने इस बच्चे को, इस मजलूम को चीती बिदर्दी से उधेड़ा है। उतनी बिदर्दी से कोई स्वेटर भी उधेड़ता नहीं है सर। ऐसा है, जहां तक हमारी नजर जा रही सर, जो हमें कहूं से उधड़ो भाव लगना रहो। यू डिमविट, कुछ एक जख्म ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं है, महसूस किए जाते हैं। ना 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 भैया विभूति, तुम समझी ना, हम जो कहना चाह रहे हैं असल में सिर्फ तुम ही कहोगे या हमें भी कुछ बोलने का मौका मिलेगा? आपको सिंह सॉरी सर, बोलो बोलो, आप बोलो सर। एक्चुअली आपसे मैं ये खास अपील करने आई हूँ कि हप्पू सिंह जी जो हैं, डोंट वरी गोरी मैम, हम हैं ना सर। इसी बात का तो हमें एतराज है, आप दूर ही रहें। कमिश्नर साहब, ये निछावर खोर दारोगा अगर हमारे केस के साथ लगा रहेगा तो हमारा केस कमजोर हो जाएगा और डिस्टर्ब हो जाएगा, सो वी डोंट नीड हिम। अच्छा, तुम भी बोल रहे आज सर? मैं बोलूंगा और बार बार बोलूंगा, अदालत में कड़वे सवाल पूछूंगा आपसे और आपको उनके जवाब देने होंगे। रिलैक्स मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, मेरा ख्याल है आप हमारे महकमे के ऑफिसर पे ध्यान न देकर इस बच्चे पे ध्यान दें। आओ पगली आओ, आइए सक्सेना जी। हेलो भाभी जी। हेलो भाभी जी। देव साहब,
दूसरी पार्टी भी आ गई ससुर। अनीता जी आप ऐसा काहे कर रही हैं? अंगूरी जी आप तिवारी जी से पूछे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अरे भाभी जी हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे झूठ बोल रहे हैं आप तिवारी जी, आपने कितनी जातियां की इसके साथ। अरे झूठ तो ये बोल रहा है भाभी जी, हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहा है ये। क्या फायदा उठा रहा हूँ मैं आपकी शराफत का, बल्कि आपने फायदा उठाया मेरी शराफत का। मुझे तो मेरी तनख्वाह भी टेम पे नहीं मिलती। और जब ये अपनी तनख्वाह मांगने जाते हैं तो ये इनको टॉर्चर करते हैं और गरम चिमटे से इन्हें जला देते हैं। अरे ये क्या बात कह रही भाभी जी, हमने कभी से गरम चिमटे से जलाया? आप अक्सर जलाते हैं सेठ जी। अच्छा अगर जलाते हैं तो निशान तो पड़ा होगा ना गरम चिमटे का, जरा दिखा कहाँ पड़ा निशान, दिखा दिखा मैं दिखा। आप उस चिमटे से जलाते हो जिसके दाग भी नहीं आते। आई लाइक इट। तो कुल आपने देखा कमिश्नर साहब कि ये इंसान इंसान नहीं है, ये जल्लाद है, पर अपना वैशीपना इस मजलूम इस कमजोर इस गरीब के ऊपर निकालता है यार। ये झूठ है। आओ तू कच्चा बनियान को धंधा छोड़ के जज बन जाओ ना चटर, हमें तो पंजीरी बांट रही। अरे का सच है का झूठ है जाको फैसलो अदालत करेगी ना। Why not? हैं? मुझे कोई एतराज नहीं है। माफ कीजिए भाभी माँ, मैं कोर्ट में विभूति भैया के कपड़े उतरवा दूंगा। बकवास जरा कम कीजिए, बताइए चमाट मारूंगा जिंदगी भर याद रखेंगे आप। आई लाइक इट। अब विभूति जी आप ऐसे एरिस्टोक्रेट पर हाथ ना ही उठा सकते हैं। भाभी जी वो एडवोकेट होता है। सही पकड़े हैं। तिवारी जी अब भी वक्त है, आप 3 करोड़ रुपए ने दे दीजिए और मैटर यहीं पे सेटल कर दीजिए। या आई डोंट 3 करोड़। ऑर्डर ऑर्डर। ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, छपरा में ऐसी यूनिवर्सिटी है, मेरे नाकाबिल दोस्त के दिमाग के साथ साथ इनकी जनरल नॉलेज भी थोड़ी सी कम है। ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, एडवोकेट अनोखे लाल सक्सेना की जनरल नॉलेज कमाल की है। जनरल नॉलेज तो मेरी कमाल की है। चलिए तो मेरे काबिल दोस्त कृपया ये बताएं कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। एडवोकेट अनोखे लाल सक्सेना की जनरल नॉलेज कमाल की है। जनरल नॉलेज तो मेरी कमाल की है। चलिए तो मेरे काबिल दोस्त कृपया ये बताएं कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। उसके साथ इनको बैठ के कटिंग चाय पीनी है क्या मिलॉर्ड? ऑर्डर ऑर्डर। मिलॉर्ड मैं अपने काबिल दोस्त से ये दरख्वास्त करूंगा कि कृपया वो मेरे सवाल का जवाब दें। मैं अपने नाकाबिल दोस्त से ये दरख्वास्त करूंगा कि पहले वो मेरे सवाल का जवाब दें। 30 अप्रैल 1945 जिस दिन हिटलर ने अपने आप को गोली मारी, गोली मारने के ठीक 5 मिनट पहले, जस्ट 5 मिनट्स बिफोर, एक लड़की आती है, उसके कान में कुछ कहती है। आप ही बताइए कि उस लड़की ने हिटलर के कान में आके क्या कहा? What she said in his ears, I want to know. 30 अप्रैल 1945 को हिटलर के कान में उस लड़की ने ये कहा कि तू तो जा रहा है, तू तो जा रहा है, लेकिन तेरे जाने के बाद तुझसे भी एक बहुत बड़ा कमीना आने वाला है, एक ऐसा कमीना जिसका कि अगर बस चले तो हिटलर वो तुझे भी बेच के खा जाएगा। और उस कमीने का नाम होगा विभूति नारायण मिश्रा। ऑर्डर ऑर्डर। गुड वन मिस्टर सक्सेना, गुड वन, वेरी गुड वेरी गुड। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।